निमृत को क्यों बुलाया है मेकर्स ने कन्फेशन रूम में। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि निमृत को बुलाकर मेकर्स ने कह दी है बहुत बड़ी बात। क्या हुआ है ऐसा, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल मेकर्स ने निमृत को फिनाले से पहले अब कन्फेशन रूम में बुलाया है। साफ साफ निमृत को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बार बार समय समय पर इस बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि क्या निमृत को शो में फेवर किया जा रहा है। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि एक बार फिर से निमृत को मेकर्स ने फिनाले से पहले बुलाकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उससे साफ साफ कहा है कि अब आपको थोड़ा और सावधान होकर खेलना होगा, कंपटीशन अब और टफ होता जा रहा है। फिनाले की ट्रॉफी जीतना आसान नहीं होगा, फिनाले के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो एक बात तो तय है कि डायरेक्टली या फिर कहा जाए इनडायरेक्टली मेकर्स ने ये साफ कह दिया है निमृत को कि उसे और मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसके सामने कंपटीशन में कोई और नहीं बल्कि प्रियंका है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बात मेकर्स ने निमृत को कन्फेशन रूम में बुलाकर बताई है, क्या उनका इशारा इस बात की ओर था कि उसे अब और सावधान होकर खेलना होगा? क्या फिनाले से पहले निमृत को गाइड करने की कोशिश की गई है? क्या फिनाले से पहले निमृत का गेम बेटर करने के लिए ये कदम उठाया गया है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि निमृत को समय समय पर फेवर किया जाता है? क्या वाकई में निमृत टिकट टू फिनाले डिजर्व करती थी? आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।